दिल्ली सचिवालय भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी का अड्डा बन गया है। दिल्ली सचिवालय जिसकी सुरक्षा मोदी जी की पुलिस के अधीन है, वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर घुसकर अराजकता फैला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर लेके बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गए हैं। और जैसे एक बार पहले हमारे मंत्री इमरान हुसैन पर हमला हो चुका है सचिवालय के अंदर, आज वही स्थिति भाजपाइयों ने इनके साथ फिर से की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिरसा और उनके साथ के कुछ लोग जब मंत्री जी अपना काम करके लौट रहे थे तो इमरान हुसैन की तरफ बढ़कर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री के दफ्तर पर किसी को भी ऐसे घुसकर बैनर लहराने की इजाजत है? क्या प्रधानमंत्री के दफ्तर के अंदर बगैर अनुमति, बगैर किसी पास के, बगैर किसी जानकारी के इतनी भारी संख्या में लोगों को घुसने की इजाजत है और वहां हंगामा करने की इजाजत है? ये मोदी जी अपनी पुलिस के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से करवाना क्या चाहते हैं? क्या दिल्ली में आप पूरी तरीके से पुलिसिया गुंडा राज अपने माध्यम से लागू करवाना चाहते हैं? मंत्रियों को पिटवाएंगे आप, विधायकों को पिटवाएंगे, मुख्यमंत्री पे हमले कराएंगे, आप कराना क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? अगर आप दिल्ली सचिवालय के अंदर मोदी जी की पुलिस की सुरक्षा के अधीन जो सचिवालय रहता है उसके अंदर अगर घुसकर इस तरह से गुंडागर्दी भाजपा के लोग कर रहे हैं, तो हमारी बात, फिर मैं कह रहा हूं, सच साबित हो रही है कि दिल्ली के अंदर आईएएस अधिकारियों की हड़ताल हो या फिर आज जो सचिवालय के अंदर अराजकता चल रही है, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। एलजी महोदय जो आज मोदी जी की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं, अभी इमरान हुसैन जी उनकी बैठक से होकर आ रहे हैं, क्या उनको दिख नहीं रहा है दिल्ली सचिवालय के अंदर क्या हो रहा है? उन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली सचिवालय के अंदर वो लोग घुस कैसे गए, किसकी अनुमति से, जहां पे बगैर पास के आप नहीं अंदर जा सकते? इमरान के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे और एक एफआईआर मंत्री की ओर से उन तमाम अराजक तत्वों के खिलाफ जो सिरसा विधायक के साथ थे, उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए इमरान जी जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को तत्काल उन लोगों की गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी अभी मैं एलजी हाउस मीटिंग अटेंड करने गया था एनवायरनमेंट इश्यूज पे। आज 3 बजे एनवायरनमेंट सेक्रेटरी के साथ मैंने मीटिंग रखी थी एयर पोल्यूशन को लेके, तो 3 ही बजे एलजी साहब ने भी एयर पोल्यूशन के ऊपर मीटिंग बुला ली। तो क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स हमारी पिछले 22 फरवरी से लेके आज तक जितनी मीटिंग रखी है, आईएएस अधिकारी उसके अंदर नहीं आ रहे, तो मैं खुद एलजी साहब के यहाँ 3 बजे मीटिंग अटेंड करने गया था। और उसके अंदर हम लोगों ने संडे तक के लिए सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दिल्ली के अंदर जितनी भी हो रही हैं, चाहे वो एनएचआई की हो, एनबीसीसी की हो, अनऑथराइज कॉलोनी में हो, उस पर टोटल बैन कर दिया है। संडे तक के लिए दिल्ली में कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। डस्ट कंट्रोल मेजर के लिए रोड पे पड़े हुए जितने भी रेत, बदरपुर सीमेंट या खुले में जितने भी इस तरीके के डस्ट वाली चीज़ें, मट्टी पड़ी होगी, उस पर सभी एजेंसीज़ को, एमसीडीज़ को, पीडब्ल्यूडीज़ को एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। अगर कहीं खुले में पड़े नज़र आएंगे और उड़े होंगे तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इन्हें ढक के रखना है और पानी डाल के रखना है।
और सभी एजेंसीज को, चाहे वो तीनों MCDs, कंटोनमेंट बोर्ड और PWD, सभी को आदेश दे दिए गए स्प्रिंकलिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग करने के लिए और मैकेनिकल स्वीपिंग को बढ़ाने के लिए। और दिल्ली के अंदर बर्निंग ऑफ लीव्स, बर्निंग ऑफ गार्बेज और जितनी भी इसके ऊपर सभी एजेंसीज को, स्पेशली MCD को, SGMs को और PWD के JEs को डायरेक्शंस दे दिए गए, अगर कहीं भी कूड़ा जलता हुआ नज़र आए या पशु की पत्तियां या रबड़ या और कुछ चीज़ जलती हुई नज़र आए जिससे पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, उस पर तुरंत फाइन किया जाए और एक्शन लिया जाए। तो ये अभी अभी हमने मीटिंग करके मैं आ रहा हूँ और आज बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, मैंने आज दो मीटिंग्स बुलाई थी, मीटिंग नोटिस दे के बुलाई थी, एक फूड कमिश्नर को बुलाया था 2:30 बजे और लगभग 3 बजे मैंने इन्वायरमेंट सेक्रेटरी को बुलाया था, जिनमें से दोनों के दोनों नदारद रहे और IAS ऑफिसर्स मीटिंग में नहीं आ रहे। जब मैं अपने ऑफिस से LG के यहाँ जाने के लिए 2:40 पे निकला, मैं वहाँ से लिफ्ट से बाहर आया तो मेरे पीछे मनिंदर सिंह सिरसा जी 15-20 आदमी, हो सकता है ज़्यादा हो, 25 भी हो सकते हैं, तो इन लोगों ने हमला करने की कोशिश की। ये बहुत दुखद बात है, इसके लिए मैं FIR करने अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करें, हम तो दिल्ली का समाधान चाहते हैं, अधिकारियों की हड़ताल ख़त्म हो, अधिकारी काम पर लौटे। राजनाथ सिंह जी की मुलाकात से, LG की मुलाकात से कोई सकारात्मक हल निकलता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या परिणाम आता है मीटिंग के बाद, ये तो तब पता चलेगा जब मीटिंग संपन्न हो जाए, उसके पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि 4 दिनों में LG साहब को 4 मिनट का भी समय अरविंद केजरीवाल जी से बात करने का नहीं मिला। अब राजनाथ सिंह जी से, गृहमंत्री जी से बात करके वो क्या समाधान लेकर आते हैं, ये बैठक के बाद ही पता चलेगा।